डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादियों को कहा ढोंगी। चाचा शिवपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सपा और रालोद के विधायकों के साथ वेल में कूद गए। भाजपाइयों को सदन में ही देने लगे इतिहास की क्लास। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सदन में कुछ ऐसा हुआ कि चाचा शिवपाल का मुलायम अवतार देखने को मिला। सदन में चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ ऐसा बोल दिया कि चाचा शिवपाल गुस्से से लाल हो गए। चाचा का ये रूप देखकर सदन में मौजूद सपा और रालोद के सारे विधायक उठ खड़े हुए और चाचा के आदेश का इंतजार करने लगे। चाचा ने भी अपने सभी विधायकों को साथ लिया और सदन में उतर गए। फिर भाजपाइयों की ऐसी क्लास लगा दी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। ब्रजेश पाठक के किस बयान पर चाचा शिवपाल गुस्से से लाल हो गए और भाजपाइयों पर बरस पड़े, ये बताएं। उससे पहले ये बता देते हैं कि समाजवादियों पर टिप्पणी करने वाले ब्रजेश पाठक का इतिहास क्या रहा है। 2022 में कांग्रेस के टिकट पर मल्लावा सीट से चुनाव लड़े और हार गए। 2004 में बसपा के टिकट पर उन्नाव से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। 2014 में बसपा के टिकट पर उन्नाव से लोकसभा चुनाव हार गए। 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए। अभी यूपी सरकार में डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेश पाठक खुद कांग्रेस छोड़कर बसपा, फिर बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और समाजवादियों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि सदन में कब और क्या हुआ, जिसके बाद चाचा और पाठक समाजवाद के मुद्दे पर एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल विधानसभा सत्र के पांचवें दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादियों से कहा कि आप समाजवादी नहीं, अराजकतावादी हो। इस पर चाचा शिवपाल भड़क गए और बोले, भारतीय जनता पार्टी वाले गमछा टोपी तिलक लगाते हैं, हमने कभी कमेंट नहीं किया, आपको जानना चाहिए हमारी टोपी के बारे में, ये समाजवाद की पहचान है। इसके बाद चाचा ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक एक कर पाठक की सारी विफलताओं को गिनाते चले गए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के गेट पर दलाल बैठे हैं, मंत्री जी ने छापे बहुत मारे, बजट आधा भी खर्च कर लिया होता तो बहुत कुछ बदल जाता। सरकार के विज्ञापनों में लगता है कि स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चमक गया है, लेकिन असलियत यह है कि स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है, एक्सरे के नाम पर समय दिया जाता है, वसूली होती है। हमारे ब्लॉक में सीएचसी बनी है, 6 साल हो चुके बने हुए, अभी तक वहां स्टाफ नर्स डॉक्टर वार्ड बॉय की नियुक्ति नहीं है। हमने कई बार चिट्ठी लिखी, माननीय मंत्री छापा बहुत मारते हैं, दरबार लगा लेते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर अधिकारियों पर दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक की पुरानी कुंडली खोलनी शुरू कर दी और कहा कि मंत्री जी ने कल समाजवादियों के बारे में भी बहुत कुछ बोला। मंत्री जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बहुजन समाज पार्टी में गए, सांसद भी बन लिए, आज डिप्टी सीएम भी बन गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलना सीखें। जैसे ही चाचा ने पाठक की कुंडली खोली, लगा कि पाठक की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। इसके बाद ब्रजेश पाठक अपना आपा खो बैठे और कहने लगे, आप लोग समाजवादी नहीं, अराजकतावादी हैं, ढोंगी और नकली हैं। समाजवादियों को ढोंगी और नकली कहते ही सपा और रालोद के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादियों का इतिहास नहीं जानते हैं ब्रजेश पाठक। चाचा और विधायकों का ये रूप देखकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो प्रश्नकाल की कार्यवाही रोक देंगे। इसके बाद विधायक शांत हुए और एक बार फिर सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस तरह चाचा शिवपाल सदन में पहले दिन ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो हर दिन भाजपाइयों के हमलों पर जमकर पलटवार भी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण पाठक के बयान पर चाचा शिवपाल के जवाब में दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।